हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीनेट 2025 के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। और चूंकि सिलेबस अभी एनसीईआरटी का चेंज हो गया है, मतलब अपडेट हो गया है एनसीईआरटी का सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सारा सिलेबस बताने वाली हूँ आज। और इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड चैप्टर है आपका प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, उसके बाद आपका जो चैप्टर है सेवन्थ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेवन्थ चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर एट वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। नाइन्थ है बायोमोलिक्यूल्स, फिर टेंथ चैप्टर है आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसके बाद है आपका प्लांट फिजियोलॉजी जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एंड थर्टीन चैप्टर है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं क्लास इलेवेंथ में। अब इसमें से कुछ चैप्टर्स हट गए हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी कौन कौन से चैप्टर्स हट गए हैं। मतलब ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, इसमें जितने चैप्टर्स दिए गए हैं वो सारे हैं सिलेबस में। उसके बाद जो अगर किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इसमें हटे हुए हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट क्या है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे, जिनमें टॉपिक्स दिए हुए थे तो वो टॉपिक्स एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप लोग उन टॉपिक्स को जो है पढ़ लेना ताकि उनसे कोई क्वेश्चन आए तो वो छूट ना जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। केमिस्ट्री में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, देन आपका सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, चैप्टर फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर फिफ्थ थर्मोडाइनमिक्स इक्विलिब्रियम, उसके बाद डेफिनेशंस ऑफ एसआई यूनिट्स, आपका रेडॉक्स रिएक्शन जो कि सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री है रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, देन है आपका हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इतने चैप्टर्स हैं आपकी केमिस्ट्री में क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री में, ठीक है। उनके बाद फिजिक्स का देख लेते हैं। सो यहाँ पे फिजिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स, फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, सेकंड चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, देन है आपका ग्रेविटेशन, ठीक है। ये आपके फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट में है चैप्टर्स। उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट जिसमें आपको और चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव्स। तो ये चैप्टर्स हैं आपकी फिजिक्स में। देख रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की जो बुक्स हैं, मतलब उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड फोर्थ चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड फिफ्थ चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, देन आपका चैप्टर है इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसके बाद टेंथ चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, इलेवेंथ चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, एंड ट्वेल्थ चैप्टर है आपका इकोसिस्टम, थर्टीन है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है।
ये हो गए आपकी क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी के चैप्टर्स। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री के और फिजिक्स के। सो केमिस्ट्री में आपके जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट पार्ट में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट्स में आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स दिया हुआ है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर्स हो गए आपकी क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के। अभी हम एक बार फिजिक्स का और देख लेते हैं। सो फिजिक्स के आपके जो फिजिक्स में जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ यूनिट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, एंड सिक्स चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवन्थ चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये हो गया आपका जो है फर्स्ट पार्ट का। नाउ सेकंड पार्ट, तो इसमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई। ओके, तो ये आपके फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में है। नाउ अब हम देख लेते हैं। सो मैंने आपको इसमें क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस है, अभी जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है वो बताया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस बता दूंगी। उसके बाद अगर आप लोग चाहेंगे, मतलब अगर आप लोग कमेंट करेंगे पूरे सिलेबस के लिए, जो हटा हुआ सिलेबस है और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स का, जैसे फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से एंड बायोलॉजी का अलग से। ठीक है, तो और ये सिलेबस जो मैंने बताया है आपको वो पूरा इंग्लिश में बताया है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं हिंदी में भी एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।